हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th के पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा दिया हुआ है -2। ठीक है, अब इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई वाई, ये इधर राइट हैंड साइड से इसे लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो इस -3 इज इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका फार्मूला होता है एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए वन सी टू प्लस ए टू सी वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ठीक है, यहाँ पे ए वन इज इक्वल टू वन है, बी वन इज इक्वल टू वन है और सी वन इज इक्वल टू -3। सेकेंड इक्वेशन में ए टू इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बी टू इज इक्वल टू 1 है और सी टू इज इक्वल टू हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस का 3 माइनस ऑलरेडी होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस का 6 तो माइनस माइनस प्लस का 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 -2। इसका भी वैसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। अब इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा? एक्स अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -5। यह हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब इन दोनों को लेके चलेंगे माइनस वाई अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन -y तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 15 इज इक्वल टू 4, एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 15 इज इक्वल टू 4 एंड एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू, इसको अब हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग निकालेंगे तो 4 जा 16, 16 3 19 अपॉन 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 15 माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। एक्स तो इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे 5x प्लस 2y माइनस 120, अब ये 0 में चला जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सेकंड को बनाते हैं एक्स अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 12 इज इक्वल टू 19 अपॉन 4। ठीक है, इसको भी इस साइड में लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, अब इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग तो इसका एलसीएम 12 आएगा, 4x माइनस वाई और इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 57। ठीक है, ये 57 इज इक्वल टू 0 तो इसका क्या आएगा? 4x माइनस वाई माइनस 57 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये हो जाएगा एक्स अपॉन ये दोनों वैल्यू को लेके चलेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा
तो ये आ जाएगा माइनस का 114। ठीक है, ठीक है। फिर आप इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई 120, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 120 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का वाई अपॉन, फिर इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 285। माइनस का 120 का 4 के साथ करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका और इसके साथ 5 माइनस का 8। ठीक है, इक्वेशन 5 हो जाएगा, ये 2 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 234 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 195 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13। तो अब फर्स्ट इसको और इसको लेके करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x अपॉन माइनस का 234 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 13। x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 234 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 18 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 18। ये हमारा आंसर x का फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट कर, अब y की वैल्यू फाइंड आउट के लिए इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तो होगा हमारा माइनस का y अपॉन 195 इज इक्वल टू माइनस का 30। तो y इज इक्वल टू 195 अपॉन 13, डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 15। ये हमारा आंसर हो गया y की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 4x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 12.5, 3x माइनस 0.8y इज इक्वल टू 8.2। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 4x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 12.5। ठीक है, ये है 3x माइनस 0.8y इज इक्वल टू 8.2। ये इसके फिर से लिखेंगे, एक 4x माइनस 0.5y माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 3x माइनस 0.8y माइनस 8.2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हो जाएगा हमारा x अपॉन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। माइनस का वाई अपॉन, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 32.8। ठीक है, अब इन दोनों का करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 37.5 वन अपॉन, अब इसका करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 3.2 प्लस 1.5। ठीक है, एक्स अपॉन, इन दोनों को इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह आएगा 5.9 इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन 4.7 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 1.7। अभी फर्स्ट और थर्ड को लेके चलेंगे तो एक्स अपॉन 5.9 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 1.7, तो एक्स इज इक्वल टू 5.9 अपॉन 1.7, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 3.47। वाई इज इक्वल टू, अब वाई को लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4.7 अपॉन 1.7, माइनस से माइनस कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.76। ठीक है, तो लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस का 3.47 एंड y इज इक्वल टू 2.76। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 17। ठीक है, 3x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 19। ठीक है,
इसे सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम लोग करेंगे 2x अपॉन 3 प्लस 3y अपॉन 5 इज माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 15, तो 5 को मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, ठीक है, ये हो जाएगा 9y, और इस पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा आ जाएगा 200। एलसीएम लेके इसको 15 को राइट हैंड साइड 0 भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे 3x अपॉन 4 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेने पे इसे हो जाए 9x प्लस 8y माइनस का 228 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मेथड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x अपॉन इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू माइनस का 228 प्लस 8 इंटू 225 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 10 इंटू माइनस का 228 प्लस 9 इंटू 225 इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 9, ठीक है। एक्स अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2052 प्लस 2040 माइनस का वाई अपॉन माइनस का 2095 प्लस 2028 सॉरी 2280 हो जाएगा, सॉरी इज इक्वल टू 1 अपॉन 80 माइनस 81 टी हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस 12 इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस का 15 इज इक्वल टू ये माइनस का 1 ही आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे तो एक्स अपॉन माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया 12। नेक्स्ट वाई अपॉन माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस 1 तो वाई आ जाएगा हमारा 15, तो ये हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू कितना आ गया 15, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax plus by इज इक्वल टू ए स्क्वायर bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर b ये हो जाएगा bx प्लस ए वाई इज माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x अपॉन बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा या माइनस से माइनस वन, ये y अपॉन हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस का प्लस ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो एक्स अपॉन माइनस का बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर, अब फर्स्ट और थर्ड को लेने पर एक साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यह एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट ये वाई वाला टर्म एक साथ लेके चलेंगे, ए बी कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा ए प्लस बी अंदर बचेगा, ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ए बी ए प्लस बी, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा माइनस का ए बी अपॉन
ए माइनस का बी, ठीक है, ये आंसर हो गया वाई की वैल्यू और ये एक्स की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।